हेलो एवरीवन क्या हाल चाल ब्रेन सीरीज में आपका तहे दिल से स्वागत है यहाँ आपको डेली क्वेश्चंस मिल रहे हैं कल का क्वेश्चन का आज हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन था अ थिन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ मास एम थिकनेस डी एंड रेडियस आर इज रिलीज इन अ यूनिफॉर्म हॉर्जेंटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी द मैग्नेटिक इंडक्शन वैक्टर इज इन द प्लेन ऑफ द डिस्क एज शोन इन द फिगर डिनोटिंग एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाई जी फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एक्सलेशन ऑफ द डिस्क आपको एक्सप्रेशन निकालना है एक्सेलरेशन का ठीक है चलिए अब सिचुएशन क्या है डिस्क है उसके प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है और ये ऐसे नॉर्मली ग्रेविटी के अंदर गिर रही है मैंने मान लिया किस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी वी हो गई होगी और मैं इसका इस साइड से व्यू देखता हूं तो ये जो बेसिकली मुझे व्यू कुछ ऐसा दिखेगा करेक्ट इसका रेडियस आर है और थिकनेस कितनी है डी तो मैंने यहां पर थिकनेस डी बना ली करेक्ट चलिए अब देखिए ध्यान से यहां पे आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है इस डिस्क के प्लेन में है करेक्ट इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ले ली मैंने अच्छा अब देखिए मान लीजिए यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऐसा और किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है वी है अब देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज मूव कर रहा है फोर्स लगेगा कितना क्यू वी क्रॉस बी जैसे इसके ऊपर फोर्स लगा क्यू वी क्रॉस बी वी क्रॉस बी आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है वी क्रॉस बी बट ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा टूवर्ड्स राइट right, है ना वी क्रॉस बी लेफ्ट में आ रहा है नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स कहां लगेगा राइट right में इसका मतलब धीरे 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 चार्ज का एक्यूमलेशन होने लग जाएगा कहां पर राइट right साइड पर राइट right? और ये कब तक होता रहेगा जब तक नेट फोर्स हॉर्जेंटल डायरेक्शन में बैलेंस ना हो जाए और वो कैसे होंगे आपने ईएमएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मोशनल ईएमएफ का सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है यहां पर एक साइड नेगेटिव चार्ज इकट्ठे होंगे एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होंगे और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म ले लेगी करेक्ट सो इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे होगी इस तरह से करेक्ट अच्छा तो इस चार्ज के ऊपर तब तक फोर्स लगता रहेगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को बैलेंस ना कर दे ठीक है so, सो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी वी इंटू बी वेर वी इज द वेलॉसिटी एट दैट पॉइंट एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड करेक्ट अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली चलिए अब हमें पता है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट दे रखी है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी का फंक्शन आ गई क्लियर अच्छा इसको मैं एक बार रिड्रॉ करता हूं यहां पे आप देखिए ये डिस्टेंस है यहां पर नेगेटिव चार्जेस एक्विट हो चुके हैं यहां प्लस चार्ज एक्विलेट हो चुके हैं ठीक बात है राइट चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने निकाल ही ली है V इंटू बी अब ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूं मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज के टर्म्स में लिखता हूं ठीक है ताकि चार्ज से मैं करंट निकाल सकूं थीके? मुझे निकालना क्या है मुझे निकालना है बेसिकली आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन जब ये नीचे गिर रहा है तो एक्सेलरेशन निकालना है ठीक है एक्सेलरेशन के लिए मुझे नेट फोर्स निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं ये देख रहा हूं कि इसके ऊपर कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं ठीक है चलिए तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह चार्ज अगर मान लीजिए मैंने क्यू चार्ज मान लिया तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सिग्मा बाय टू एप्सल नॉट नेगेटिव के कारण भी सिग्मा बाय टू नॉट क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टोटल वो आ जाएगी सिग्मा बायसलॉट पहले ही पड़ चुके सिग्मा बाई ट के कारण अवे और नेगेटिव के लिए टू तो सिग्मा बायसुलॉट प्लस बाय टू एक्सल नॉट आई कैन डिरेक्टली राइट सिग्मा बायसुल सर्कुलर प्लेट है तो यहां पर सिग्मा क्या होगा चार्ज परिनेट एरिया और एरिया कितना हो जाएगा पाए आर स्क्वायर राइट सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है वो मेरे पास क्यू बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिल नॉट निकल के आई है ठीक है अब देखिए ध्यान से मैं इसको यहां सब्सिट्यूट कर रहा हूं सो आई गेट क्यू बाय एप्सिल नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर वी बी देखो मैंने चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी निकाल लिया करेक्ट चलिए अब ध्यान से देखो यहां पर जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी वैसे वैसे चार्ज भी चेंज होगा ठीक है तो मैं काम करता हूं मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं डी क्यू वाई डी टी एंड यू नो दैट डी क्यू आई डी टी इज नज करंट सो मेरे पास डी क्यू वाई डी टी जो यहां से करंट फ्लो होगी वो होगी मेरे पास एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर जो जो कॉन्सेंट उनको अलग रख दीजिए डी वी बाई डी टी करेक्ट नाउ आई कैन राइट दिस करंट आई इक्वल्स टू एफ्सल नॉट पाई आर स्क्वायर बी इंटू डी देखो मेरे पास करंट आ गया करेक्ट कि इसमें से नेट करंट कितनी फ्लो हो रही है ठीक है अच्छा आपको दिख रहा है कि चार्ज वेलोसिटी का फंक्शन है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहां पे करंट आना ही है और आप देखिए अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगता है राइट, बी आई एल तो यहां पे आप देख सकते हो कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा बी आई एल और हमने कैसे निकाला अगर मैं से इसको ड्रॉ करूं तो इसके ऊपर नेट फोर्स की बात करते हैं अपन प्लेट के ऊपर है ना जो एक तो लग रहा होगा एमजी वाला फोर्स नीचे मैग्नेटिक फील्ड बाहर है डॉट राइट right? अब एल क्रॉस भी निकालते हैं देखिए ध्यान से जो करंट है वो इस दिशा में फ्लोर हो रही है ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर राइट में जा रहा है तो करंट लेफ्ट में जाएगी अपन देख चुके हैं पे इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे थे राइट में तो करंट कहाँ मूव करेगी लेफ्ट में एल क्रॉस बी लगाते हैं एल ये देखो लेंथ इधर एल क्रॉस बी तो फोर्स कहाँ लगा ऊपर बिल्कुल सही तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगा वो ऊपर लगा ठीक बात है अब मुझे पता है अगर मुझे एक्सेलेशन निकालना है तो नेट फोर्स बाय मास कर दो ठीक तो है तो जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू नेट फोर्स बाय मास नेट फोर्स कितना है एम जी माइनस एफ एम डिवाइडेड बाय मास तो मैं मास यहां लिख देता हूं ठीक है तो कितना हो गया मेरे पास एम इन टू डी वी बाई डी टी इक्वल टू एम जी माइनस ये जो फोर्स है ये क्या है बी इंटू आई इंटू एल ये हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड तो कॉन्स्टेंट है करंट इंटू डिस्टेंस बिकॉज लेंथ यह वाले लेंगे और ये लेंथ कितनी है डी के बराबर ठीक है तो मैंने बी इंटू आई इंटू डी अब आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते है आई एप्स नॉट पाई आर स्क्वायर बी एप्स नॉट पाई आर स्क्वायर बी इंटू डी बी वाई डी टी डी वी बाई d टी इंटू बी इंटू डी ये वाला d है ना लेंथ वाला ठीक है अब मुझे क्या निकालना है मुझे तो एक्सलेशन निकालना है और एक्सलेशन का मतलब क्या होता है डी वी बाई डी टी इधर भी डी वी बाई डी टी आ रहा है इधर भी डी वी बाई डी टी आ है एक काम करते हैं इसको एक साइड ले आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वी बाई डी टी कॉमन अंदर बच्चा मेरे पास m प्लस बी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर डी ना, ये वाला डी बी स्क्वायर एप्स नॉट पाई आर स्कवायर इक्वल टू एम इक्वल टू एम जी ठीक चलिए अब मैं यहां से सीधे एक्सेलेशन लिख सकता हूं डीवी वाई डी टी इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय एम प्लस बी स्क्वायर एप्स नॉट पाई आर स्क्वायर डी आप चाहो तो एम कॉमन निकाल के काट भी सकते हो यहां पर एम आ जाएगा और नहीं तो ऐसे भी आंसर मेरा आ चुका है तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छा लगा हो काफी सुंदर काफी बढ़िया प्रॉब्लम प्रॉब्लम इस तरह क्वेश्चन आई में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं राइट चलिए तो अब आपके सामने आएगा अगला क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन आपको कल मिलेगा थैंक यू